फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सुनी गार्डनिंग। और फ्रेंड्स देखिए, ये सारे जेड के प्लांट हैं। और फ्रेंड्स, इनकी जो प्रोपगेशन होती है वो काफी इजी होती है, काफी अच्छी तरीके से ये ग्रो भी हो जाता है। और अगर आपको इसको अपने गार्डन में ऐड करना है तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा फ्रेंड्स, और वही बातें आज इस वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। तो जेड प्लांट बहुत ही लक्की माना जाता है हमारे घर के लिए, वास्तु के हिसाब से, व्यापारिक धन वृद्धि के हिसाब से। सिर्फ इसे आप ऐसी जगह पर रखिए जहां पर आपका वास्तु के हिसाब से ये ठीक जगह पर रखा हो। और दूसरी बात फ्रेंड्स कि ये बहुत ही आसानी से ग्रो होने वाला प्लांट है, इसको आप धूप में रखिएगा, ये शेड लविंग नहीं है फ्रेंड्स। और इसको हम बहुत आसानी से इसकी जो पत्तियां हैं, डंडियां हैं, उनसे ग्रो कर सकते हैं। और इसको फ्रेंड्स कोई भी ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, सिर्फ इसको कम वाटरिंग की जरूरत होती है फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें अपने आप में ही वाटर को सोक करके स्टोर करके रखने की एक स्पेशलिटी होती है फ्रेंड्स। और इसकी जो पत्तियां होती है ये काफी ज्यादा पानी को अपने आप में स्टोर करके रखती है। जब आप इसकी एक पत्ती को इस तरीके से तोड़कर देखेंगे फ्रेंड्स तो आपको पता चलेगा, ये देखिए फ्रेंड्स, इसकी पत्ती में काफी ज्यादा मॉइस्चर होता है जो अपनी पानी की कमी को खुद ही दूर कर लेती हैं। तो गर्मी का सीजन हो या ठंड का सीजन हो या बारिश का सीजन हो, आपको इसको पानी कम देना है फ्रेंड्स। स्पेशली आपको ऐसी जगह पर रखना है जहां पर दिन की आपको इसे 3 से 4 घंटे की धूप दे सकें। और जो शेडी एरिया होता है फ्रेंड्स उसमें बिल्कुल भी नहीं रखे, क्योंकि इसको शेडी एरिया पसंद नहीं होता है। अगर आपने इसको शेडी एरिया में रख दिया फ्रेंड्स तो सबसे पहले इसकी पत्तियां इस तरीके से पीली होने लग जाएगी, और धीरे धीरे जो पत्तियां हैं फ्रेंड्स वो पतली सी, मुरझाई हुई सी, एकदम लेगी सी हो जाएगी। अगर आप इसको चेक करना चाहते हैं कि आपका पौधे को आपने जहां रखा है उसकी जो एरिया है वो ठीक है या नहीं, जहां पर आपका पौधा ग्रोथ कर रहा है या नहीं, तो उसको देखने के लिए फ्रेंड्स आप इस तरीके से पत्तियों को टच करके देखिएगा। काफी पत्तियां चिकनी और काफी ज्यादा हेल्दी और मोटी थिक दिखेगी। और अगर आपको पत्ती इस तरीके से पीली या फिर थोड़ी सी क्रीम कलर की दिखती है और उसकी पत्ती एकदम सॉफ्ट होती है रबड़ जैसी, तो आप समझ जाइए कि इसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो आपने या तो वाटरिंग ज्यादा कर दी होगी फ्रेंड्स, या फिर आपने उसको ऐसा एरिया दिया होगा जहां पर उसको प्रॉपर धूप नहीं मिल रही होगी, तो आप उसे तुरंत उसकी जगह पे से दूसरी जगह पे शिफ्ट कर दीजिए फ्रेंड्स। और उसकी जो पानी देने का जो रूटीन है आपका वो कम कर दीजिए, जब तक इसकी जो मिट्टी है वो पूरी तरीके से सूख ना जाए फ्रेंड्स, तब तक आप उसको पानी नहीं दीजिए। मिट्टी भी आप ऐसी बनाइए फ्रेंड्स जिसमें इस तरीके से टुकड़े वगैरह हो, कोयले के, पत्थर के। और आप रिवर सैंड ज्यादा रखिए फ्रेंड्स, इसमें रेतीली मिट्टी बनाइए, वेल ड्रेन्ड सॉइल बनाइए फ्रेंड्स, जो कि इसके हिसाब से काफी ज्यादा ठीक हो। और मैंने जो मिट्टी बनाई है फ्रेंड्स उसमें इस तरीके के टुकड़े मिलाए हैं, 10% 10% मैंने कोयला मिलाया फ्रेंड्स, और सैंड मिलाई है फ्रेंड्स इसके अंदर काफी मात्रा में। इसके बाद में थोड़ी सी गार्डन सॉइल मिलाई है, तो इस तरीके से मैंने काफी भुरभुरी सी इसकी जो रेत है वो बनाई है, सैंड मैंने इसमें मिट्टी बनाई है फ्रेंड्स, और रेत काफी ज्यादा डाली है जिसे आप देख पा रहे हैं। जो सैंड होती है फ्रेंड्स जो कंस्ट्रक्शन काम में आती है वो वाली सैंड की बात कर रही हूँ मैं, तो काफी अच्छा ये चल रहा है मेरे पास में। मैंने काफी छोटी सी इतनी सी कटिंग्स लगाई थी फ्रेंड्स, और इस कटिंग से फ्रेंड्स मैंने इतने बड़े बड़े ऐसे प्लांट बनाए हैं। इसकी ब्रांचेस काफी थिक हो गई है, इसको अगर आपको ब्रांचेस को थिक करना है तो फर्टिलाइजर के रूप में आप इसको बोन मील दे सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट या काउडंग कंपोस्ट दे सकते हैं फ्रेंड्स। इसके साथ साथ ही फ्रेंड्स आप इसके ऊपर एनपीके 19:19 का सावर भी करते रहिए फ्रेंड्स, जिससे इसकी पत्ती की ग्रीननेस बड़ी रहेगी। आपको अगर इसे घना बूशी जंगल जैसा बनाना है, जैसे कि आप ये देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स कि ये मेरा जो प्लांट है काफी पेड़ जैसा बन गया है, और इसकी जो पत्तियां आप देख पा रहे होंगे कि इसमें से कितनी सारी ब्रांचेस निकल रही है, तो इसका मैंने एक ही तरीका आपको हमेशा से बताया है कि जो आपकी ब्रांचेस है वो जो सिंगल है उनको आप इस तरीके से पिंचिंग कर दीजिए। अगर आपके पास में प्लांट नहीं है फ्रेंड्स और आप उसको ज्यादा करना चाहते हैं तो आप इसकी जो पिंचिंग करेंगे वो काफी ज्यादा लंबी कर लीजिए, 1 से 2 इंच की। और अगर आपके पास में ढेर सारे प्लांट है तो आप इसको सिर्फ 4 पत्तियां इस तरीके से यहाँ से पिंचिंग कर दीजिए। तो इस तरीके से मैं भी इसको यहाँ से पिंचिंग करूंगी। अब ये जो आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, यहाँ से नई नई सी पत्तियां निकलेगी और नई नई सी ब्रांचेस निकलेगी, और उसके बाद में फिर आपके प्लांट में इस तरीके से काफी ज्यादा घनी और काफी ज्यादा हेल्दी प्लांट बन जाएगा। तो ये तो टिप्स काफी काम की है फ्रेंड्स आपके, कि आप इसकी पिंचिंग कीजिए और इसको बढ़ाइए। लेकिन फ्रेंड्स सबसे ज्यादा इसको प्रॉब्लम आती है ठंड में, बारिश में, क्योंकि अभी बारिश का मौसम आने वाला है फ्रेंड्स और ठंड का इसका मौसम गया ही है, तो ठंड में ये क्या है कि उसमें चले जाते हैं
डोरमेंसी में चले जाते हैं फ्रेंड्स, और उसके बाद में फिर आपको ना तो इन्हें कुछ फर्टिलाइजर वगैरह देना है और ना ही आपको इसकी कटिंग लगानी है। अगर आपको कटिंग लगानी है फ्रेंड्स तो आप अभी लगा सकते हैं। कटिंग लगाने का मैं एक टिप्स आपके साथ में शेयर कर रही हूँ जो मैं हमेशा करती हूँ, आप भी इस शेयर मतलब कीजिए अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ में, और आप भी इसको आजमा कर देखिए फ्रेंड्स। ये मैंने कटिंग्स निकाल कर रखी है फ्रेंड्स, और कटिंग लगाने के बाद अधिकतर हम कटिंग्स को शेडी एरिया में रखते हैं, पानी देते हैं, लेकिन फ्रेंड्स मैं इसकी जो कटिंग्स है जेड प्लांट की उसको निकाल कर फ्रेंड्स कभी भी शेडी एरिया में नहीं रखती हूँ। ये मेरी कटिंग है, कुछ टाइम पहले मैंने इसको ग्रो कर दिया था और ये फुल टाइम धूप में रहती है, सनलाइट में रहती है, इसको मैंने शेडी एरिया नहीं दिया था फ्रेंड्स। और देखिए फ्रेंड्स ये अभी मतलब कि नई है, इसमें रूट्स नहीं आई है फ्रेंड्स, लेकिन इसकी पत्तियों को आप देख के समझ सकते हैं फ्रेंड्स कि इसकी जो ग्रोथ है वो काफी जल्दी स्टार्ट हो जाएगी, और ये फुल टाइम सनलाइट में रहती है फ्रेंड्स। मैंने इसे शेडी एरिया नहीं दिया है, तो अगर आप जेड प्लांट की कटिंग्स लगाते हैं तो आपको इसे शेडी एरिया नहीं देना है फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स आपको इतनी बड़ी कटिंग निकालनी है और सिर्फ इसे इस तरीके से ग्रो करना है। तो इसमें फ्रेंड्स रिवर्स एंड है और राइस हस्क है, और इसके बाद में फ्रेंड्स थोड़ी सी गार्डन सोइल है, तो इस तरीके से मैं इसके अंदर लगा रही हूँ फ्रेंड्स। इसमें थोड़ा सा मॉइस्चर बना रहेगा क्योंकि अभी जो रूट्स है उस जो कटिंग्स है उसमें रूट्स नहीं आई है फ्रेंड्स इस तरीके से, और ये आपके 3 से 4 प्लांट इजीली तैयार हो जाएंगे बड़े आराम से। तो इसको आपको अभी एक दिन पानी नहीं देना है और दूसरे दिन फिर आपको इसको अच्छे से सावर करना है, क्योंकि इसकी जो ब्रांच है फ्रेंड्स उस ब्रांच में काफी ज्यादा मॉइस्चर है, तो ये जो कटिंग है हमारी वो वहां से अच्छा सा मॉइस्चर ले लेगी, और उसके बाद में फ्रेंड्स फिर आपको दूसरे दिन इसको पानी देना पड़ेगा। तो आप जब भी इस प्लांट को पानी दें, आप कटिंग को पानी दें और इसको फुल सनलाइट में रखिए फ्रेंड्स, इसका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। 1 या 2 दिन थोड़ी सी मुरझाई भी दिखेगी, लेकिन उसके बाद में जब सनलाइट मिलने लगेगा तो ये अपने आप ही ठीक हो जाएगी। देखिए फ्रेंड्स ये इस कटिंग के साथ में इस तरीके से। तो फ्रेंड्स इसमें आप मिलीबग का अटैक देख सकते हैं फ्रेंड्स, बहुत ज्यादा मिलीबग का अटैक होता है, स्पेशली जब मौसम चेंज होता है तो मिलीबग जो होते हैं वो इसके जो नीचे ब्रांचेस होती है जो घना होता है ये इतना, उसमें फ्रेंड्स इस तरीके से आके बैठ जाते हैं। तो आपको इसको नीम ऑयल का स्प्रे टाइम टू टाइम करना है फ्रेंड्स, और जो इसकी आप देख पा रहे हैं थिकनेस इसकी जो ब्रांच की, अगर आप भी इस तरीके से इसकी ब्रांच को थिक करना चाहते हैं तो इसको जो कंपोस्ट है उसमें आप बोन मिल दीजिए फ्रेंड्स, काफी ज्यादा थिक हो जाएगा, क्योंकि जो बोन मिल होता है उसमें काफी ज्यादा कैल्शियम पाया जाता है। तो इस तरीके से सुपर फास्फोस का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, अंडे का जो छिलके आते हैं उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप उसका बारीक पाउडर बना लीजिए, इसकी गुड़ाई कर दीजिए पानी देने से पहले, और उसके बाद में फ्रेंड्स फिर बोन मिल को 2 चम्मच इसके चारों तरफ डाल दीजिए गुड़ाई करके, और फिर पानी डाल दीजिए फ्रेंड्स। और जो वर्मी कंपोस्ट होता है उसकी आप टी बनाकर फ्रेंड्स इसकी शावर कर सकते हैं, इसको दे सकते हैं, तो काफी अच्छा आपके जो गार्डन है उसमें ये जो शुभ माना जाता है हमारा जेड प्लांट काफी अच्छे से ग्रोथ करेगा। तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपके लिए स्पेशली कटिंग्स के लिए थी, और आप जो इसकी ब्रांचेस है इसको ठीक कैसे कर सकें इसके लिए थी। तो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।